हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटरी की एनर्जी कैसे निकाली जाती है बाय यूजिंग डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सिमेशन मैथड तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डब्ल्यू के बी मेथड की थोड़ी इंट्रोडक्शन दी है कि वो कहाँ अप्लाई होता है और उसका बेसिक क्या है तो आज मैं आपको सेकेंड वीडियो में हारमोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालना सिखाऊंगी बायूजिंग डब्ल्यू के बी मैथड नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर थ्री सेपरेट केसेस पर्टेनिंग टू द पोटेंशियल वेल विद नो रिजिड वॉल्स अ सिंगल रिजिड वॉल एंड टू रिजिड वॉल्स तो अब हम यहाँ पर तीन केसेज आते हैं हमारे कि जिसमें पोटेंशियल वेल well की कोई रिजिड वॉल्व ना हो एक सिंगल रिजिड वॉल हो या फिर दो रिजिड वॉल्स हों तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसी बाउंड स्टेट्स मतलब वो वाला पोटेंशियल वेल well जिसका नो रिजिड वॉल हो जैसे फॉर एग्जाम्पल हारमोनिक ऑसिलेटर तो हारमोनिक ऑसिलेटर का मैंने यहाँ पर पोटेंशियल वर्सेज एक्स ग्राफ बनाया है इसमें आप देख सकते हो कि कोई रिजिड वॉल नहीं है रिजिड वॉल होने का मतलब है कि इनफाइनाइट नहीं है पोटेंशियल तो यहाँ पे दोनों मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने एनर्जी बनाई है एनर्जी बनाने के बाद दो पॉइंट्स हमने मार्क करे हैं जहाँ पे एनर्जी लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रही है दैट इज़ एक्स वन एंड एक्स टू तो यहाँ पे ये यह दो दोनों वॉल्स रिजिड नहीं है ठीक है अगर हम यहाँ पे चेक करें कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन क्या है तो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन यहाँ पे होगा

पॉइंट्स के बीच में क्लासिकली अलाउड रीजन होता है बोहर सोम फिल्ड क्वांटाइजेशन रूल फ्रॉम विच द एनर्जीज आर टू बी एक्सट्रैक्टेड तो यहाँ पे हम डब्ल्यू के बी मैथड क्या करता है हम पूरा डेरीवेशन होती है एक रिजल्ट देता है हमें डब्ल्यू के बी मैथड जिसका नेम है बोहर सोमफिल्ड क्वांटाइजेशन रूल हम उसी रूल से जितनी भी हमने बाउंड स्टेट एनर्जीज फाइंड करनी है हम उसी रूल से निकालते हैं बट वी विल स्किप द डेरीवेशन पार्ट एंड विल कंसिडर द फॉर्म्यूला एंड एप्लीकेशन पार्ट तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि ये चीज़ जो डेरीवेशन पार्ट है ये वाला यहाँ ये चीज़ नहीं आती है कभी भी पेपर में भी नहीं आती और बहुत एफर्ट uh, लगता है उस डेरीवेशन को करने में तो हम लोग क्या करेंगे उस डेरीवेशन से जो रिजल्ट आया है बॉहर सोमफेल क्वान्टजेशन रूल हम लोग इसको स्टडी करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि हारमोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कैसे निकाली जाती है तो नो रिजिड वॉल का केस है ये और नो रिजिड वॉल से हमारे पास ये क्वांटाइजेशन रूल आया है क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स ई एन डी एक्स इक्वल्स टू टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स वन से लेके एक्स टू तक अंडर उम ई एन माइनस वी एक्स जो ये जो ई एन है यही हमारी बाउंड स्टेट एनर्जी है डी एक्स इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच अगर ये रूल है तो इसलिए यहाँ यहाँ पे एन जो है वो स्टार्ट होगा जीरो से और या फिर एन माइनस हाफ एच तो यहाँ पे एन स्टार्ट होगा वन से क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू तो इसलिए हम यहाँ पे वन से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन में पेपर में दोनों में से एक हो सकता है तो वहाँ पर आपने एन का ध्यान रखना है कि एन कहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आपको रूल आपको बस याद रखना है और फिर इस रूल को हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पार्ट के लिए नोट दैट द नंबर एन प्रेजेंट इन दिस रिलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स तो वहां पे जो रूल में एन आया है वो किसके इक्वल है नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स की दम, या फिर दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ द वेव फंक्शन तो एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स या फिर नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स और नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है कि वेव फंक्शन कितने कितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है मतलब वेव फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है वो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं या फिर नंबर ऑफ़ बाउंड स्टेट्स तो अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं हम लोग क्या करेंगे नो रिजिड वॉल केस के लिए हारमोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालेंगे बाई यूजिंग डब्ल्यू के बी मेथड क्योंकि हारमोनिक ऑसिलेटर में कोई रिजिड वॉल नहीं होती अब हमें पता है कि हारमोनिक ऑसिलेटर की क्लासिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी पी स्क्र अपॉन टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्र अब अगर मुझे पी स्क्र अपॉन टू एम की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम अब पी स्क्वायर चाहिए तो टू एम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से टू एम आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई टू ई अब वो टू हमने यहाँ पे एल्सियम ले लिया तो दैट विल बी टू ई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ये m अंदर चला गया तो टू एम ई माइनस एम स्क्वायर ओ स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो यहाँ से p की सिंपल कैलकुलेशन करके हमने p की वैल्यू निकाल ली अब यहाँ पे हम हारमोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ रीड करेंगे लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले हम एनर्जी लिख के रख लेते हैं कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिख ली प्लस कैनेटिक एनर्जी अब जब हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखना है तो यहाँ पे क्या होगा दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और एम्पलीट्यूड्स होंगे एक बार एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक बार एक्स इक्वल टू माइनस ए और जो बीच वाला पॉइंट होगा वहाँ पे मतलब एक्स इक्वल टू जीरो के केस के लिए काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही ना ही क्रिएट हो रही है सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है तो यहाँ पे V मैक्स है तो कैनैटिक एनर्जी जीरो है कैनेटिक एनर्जी मैक्स है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है सेम फॉर दिस अब अगर यहाँ पे कैनैटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल P जो मोमेंटम है वो भी जीरो होगा तो यहाँ पे P ज़ीरो पुट कर दें तो E की वैल्यू क्या आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है a तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सेम फॉर दिस ई इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी x a है और कैनेटिक एनर्जी जीरो है यहाँ पे एक्स माइनस ए है बट स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा अब इसमें कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ई e आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक है तो वेयर एक्स मिनिमम इक्वल्स टू माइनस ए एंड एक्स मैक्स इक्वल्स टू प्लस ए आर द टर्निंग पॉइंट्स है तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स माइनस ए से ए तक रहेंगे मतलब ये वाला रीजन क्लासिकली अलाउड रहेगा इसके बाहर वाला क्लासिकली फॉरबिडन रहेगा क्योंकि ई e की वैल्यू आई है यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट टू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर टू ऑब्टेन द क्वांटाइज एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वी नीड टू यूज द बोहर सोमोफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल तो अभी यहाँ पे हम बोहर सोमोफेल्ड क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करेंगे वो क्या था इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स ई एंड डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स वन टू एक्स टू तो यहाँ पे मैंने एल एच एस पार्ट लिया है ये वाला ठीक है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स ई एन डी एक्स एज इट इज ठीक है और ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स वन टू एक्स टू एक्स वन टू एक्स टू क्या थे टर्निंग uh, पॉइंट्स तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स क्या है माइनस ए से लेके ए फिर अंडर रूट टू एम ई ये मैंने टू एम क्या कर लिया ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये आ जाएगा टू एम ई माइनस टू एम वी ठीक है तो यहाँ पे लिखा अंडर रूट टू एम ई माइनस टू एम इंटू वी और वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है ऑसिलेटर के केस में दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर dx ठीक है और ये वाला ये मैं बाद में इसके इक्वल पुट करूंगी अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे एल एच एस करेंगे इस इंटीग्रेशन का सॉल्व तो यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास अंडर रूट क्या बचा टू एम ई माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स और यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब जो भी इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू x है और x यहाँ पे जो फंक्शन है ये वाला पूरा वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का तो आप माइनस भी पुट करोगे तब भी प्लस ही आएगा तो मतलब ये इवन फंक्शन हुआ तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा देंगे दैट विल बी ट्वाइस ऑफ माइनस ए टू ए की जगह ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए हो जाएगा तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी डेफिनेट इंटेग्रल की अब क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स थे तो टर्निंग पॉइंट्स में ई e की वैल्यू थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो यहाँ पे ई e की जगह हम पुट कर देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो टू टू यहाँ पे फोर जीरो टू ए अंडर रूट टू एम ई के स्पेस में आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एज इट इज डी एक्स तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल आउट होकर हमारे पास जो फाइनल टर्म बची है वो ये बची है फोर इंटीग्रेशन जीरो टू ए अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स तो अब यहाँ पे एक और चीज़ की जा सकती है एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है बाहर ले लेंगे और रूट से बाहर लेंगे तो वो हो जाएगा एम ओमेगा इंटीग्रेशन बचेगी जीरो टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बस अब सिंपल है इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है बहुत सिंपल मैथमेटिक्स तो हम पुट कर देंगे एक्स को ए साइन थीटा और जब हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डीएक्स हम मतलब एक्स के एक्स को हटा देंगे थीटा के फॉर्म में हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे थीटा वेरिएबल आएगा अब एक्स का डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा साथ में डी थीटा और क्योंकि एक्स की जगह पे हम थीटा फंक्शन ले रहे हैं हम तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी अगर एक्स यहाँ जीरो रहेगा तो साइन थीटा भी क्या आ जाएगा जीरो तो थीटा हो जाएगा ज़ीरो और अगर एक्स ए होगा तो साइन थीटा हो जाएगा वन क्योंकि ए से ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो थीटा आ जाएगा पाई बाय टू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे फोर एम ओमेगा जीरो टू पाई बाय टू ए की जगह हो जाएगा पाई बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या है यहाँ पे ए साइन थीटा तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इन टू डी एक्स डी एक्स है ए कॉस थीटा डी थीटा तो यह आ जाएगा फोर एम ओमेगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर लिया तो जब अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो वो होगा ए और एक ए और ये ए तो ये हो जाएंगे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट बचेगा यहाँ पे जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायेयर थीटा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट कटेगा तो वो आ जाएगा कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ऑलरेडी पड़ा है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी कॉस स्क्वायर थीटा की वो हो जाएगी वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू ठीक है डी थीटा ये होता है कॉस टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो अब ये टू से टू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा टू एम ओमेगा ए स्क्वायर ज़ीरो टू पाई बाय टू वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देंगे तो वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा और कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन टू थीटा डिवाइड बाय टू ठीक है तो ये आ जाएगा टू एम ओमेगा ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा डिवाइड बाय टू और लिमिट है जीरो टू पाई बाय टू अब लिमिट्स पुट करेंगे तो ये एज इट इज थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय टू माइनस ज़ीरो दैट विल बी पाई बाय टू प्लस साइन टू थीटा तो साइन टू थीटा में पाई बाय टू पुट करेंगे तो टू से टू कैंसिल होकर साइन पाई बचेगा और माइनस साइन ज़ीरो मतलब साइन पाई और साइन जीरो दोनों ही जीरो होते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगी ये आ जाएगा जीरो तो हमारे पास जो हमने सॉल्व किया था इंटीग्रेशन पी डी एक्स वो आ जाएगा एम ओमेगा ए स्क्वायर पाए टू से ये वाला टू कैंसिल आउट हो जाएगा अब यहाँ पे क्योंकि ए की वैल्यू भी हमने सॉल्व की थी अंडर उ अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर ई के एक्सप्रेशन से वो हमने यहाँ पे पुट कर देंगे तो याद जगह एम ओमेगा पाई ई स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे टू ई अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर तो यादगा टू पाए ई अपॉन ओमेगा एम से कैंसिल आउट एम और ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा अब क्योंकि हमने सिर्फ एल एच एस सोल्व की थी आर एच एस क्या थी एन प्लस हाफ़ एच मैं एन प्लस हाफ ले रही हूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी अब ये पूरा सॉल्व करके हमने रखा है टू बाई ई अपॉन ओमेगा इसको हमने पुट कर दिया उस क्वांटाइजेशन रूल के इक्वल दैट इज़ एन प्लस हाफ एच तो यहाँ से ई e की वैल्यू आ गई एन प्लस हाफ एच टू बाय क्रॉस में ओमेगा भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर टू पाई नीचे तो एच अपॉन टू पाई ओमेगा और वी नो एच अपॉन टू पाई को हम पुट कर सकते हैं एच कट ओमेगा और ये हमारे पास आ गई एनर्जी हारमोनिक ऑसिलेटर की जो कि बहुत वेल नोन रिजल्ट है हमें पता है लेकिन डब्ल्यू के बी से हमने कैसे सॉल्व किया वो हमारे पास आया ई एन एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा तो डब्ल्यू के बी मेथड से भी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा बहुत ईजिली बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बस एक रूल याद रखना है और फिर सिंपल इंटीग्रेशन तो हमने ये सीखा कि डब्ल्यू के बी मेथड से कैसे हारमोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकाली जाती है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वन डी बॉक्स की सिमिलरली जैसे हमने ऑसिलेटर की एनर्जी निकाली है ऐसे ही वन डी बॉक्स की एनर्जी निकालना सिखाऊंगी बाय डब्ल्यू के बी तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बोला है कि ये जो पहले तीन पार्ट्स होंगे ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे डब्ल्यू के बी मेथड में लेकिन ये एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना जो भी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है उसमें आपको मोस्टली सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होगा वो आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन होती है और उसमें आपको ई एन की वैल्यू पूछी होती है तो उसके लिए आपको एक बस शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है ऐसे हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी नहीं निकालनी जैसे मैंने अभी आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है ये सिर्फ़ वो जो क्वांटाइजेशन रूल्स हैं वो कैसे आए वो मतलब कैसे आए नहीं कैसे उसको अप्लाई करते हैं हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं सिर्फ उसके लिए है बाकी जो पार्ट फोर्थ और फिफ्थ वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जाम में नेट डे गेट के लिए आपको कैसे इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है